मेरे भी लेफ्ट फुट में थोड़ा सा दर्द होने लगा। तो वेलकम टू सिसु, बहुत सुंदर लग रहे हैं हरे बड़े पेड़। तो भाई यहाँ हमने पिच किए हुए थे अपने टेंट। हेलो एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम एंड स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जगह अभी हम हैं अटल टनल के जस्ट बाहर निकल के थोड़ी दूर हमने टेंट लगा लिया था रात को, तो आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। ये है हमारा टेंट और यहाँ से ये है वही बाहर के नज़ारे, बाकी बाहर निकलते हुए दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ हमने पिच किए हुए थे अपने टेंट, पीछे हमारी दुलारी और भैया का अग्नि भेड़िया, दैट इज़ फायर बॉक्स, यहाँ पर हमने बांध रखे थे। ये सारे नज़ारे हैं यार यहाँ के। टाइम सुबह का भी हो रहा है, 7 बज रहे हैं, तो चलते हैं, चलते गए हैं, मतलब फ्रेशनअप होते हैं, उसके बाद पैक वैक करते हैं और देखते हैं कहाँ चल सकते हैं आज। ये माहौल है भाई अटल टनल का, वो टनल रही वहाँ पे, और हम यहाँ पे अभी पानी की बॉटल भर रहे हैं ठुट्ठी में से। आज का टारगेट हम छोटा ही रख रहे हैं जो कि है सिसु, और यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट खा लिया था, पराठे और चाय। चल दिए हैं दुलारी को लेके और अग्नि भेड़िए को लेके बोलो ओम का नाम लेके, जय श्री राम। और कितनी सारी भेड़ बकरियां हैं यहाँ पे। और यहाँ हमारे साथ साइड साइड में चंद्रा रिवर बहती हुई, चंद्रा रिवर आपको याद होगा और कहाँ पे थी, तो वही नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है और काफ़ी लोग जा रहे हैं यार। काजा वॉज गुड। यहाँ सेंट्रल छींटे उड़ाती हुई जा रही है और हम भी जाएंगे छींटे उड़ाते हुए। इतने नहीं उठते यार। एके किचन, एके एके। तो वेलकम टू सिसु, बहुत सुंदर लग रहे हैं हरे बड़े पेड़, और भैया का जंगली भेड़िया, सॉरी अग्नि भेड़िया आगे चलता हुआ। ये सारे पेड़ हैं, हम आपको यहाँ से दिख जाएंगे। HR 51 फरीदाबाद। लाहौल, ये आ गया भाई लाहौल स्पीति, हमने पहले क्रॉस कर लिया था, अब यहाँ से लाहौल पार्ट साथ जाता है, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट का। और जो सामने रास्ता जा रहा है ये है भाई लेक के लिए और वाटरफॉल के लिए, और ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है लेक के लिए। चलते हैं भाई नीचे, नीचे वाले रास्ते की तरफ। वो उधर दिख रहा है वहाँ पे,
वाटरफॉल तो ये लेक है सामने। तो यार हम पहुंच गए हैं सिसु लेक पे। दुलारी ये खड़ी है, जंगली भेड़िया अग्नि भेड़िया खड़ा है, और अग्नि भेड़िया का ओनर ये बैठा है यहाँ पे तपस्या करने बैठे हुए हैं। अब ये नाम लीला लीला नाम रख दिया है भाई साइकिल का। और जो ये पीछे आप देख रहे हो जो सामने है, ये है पूरी सिसु लेक। काफी सुंदर हरी भरी कलर की, और ये मैनमेड लेक है यार, सिसु में काफी फेमस है। तो ये था यार, इतना कोई वो नहीं है कि कुछ नेचुरल चीज़ है। वहाँ से आपको दिख रहा होगा वो है अपना वाटरफॉल वहाँ पे। तो अभी कंफ्यूजन ये है कि हमें सिसु में रुकना चाहिए या फिर हमें आगे चलना चाहिए। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो काफ़ी दूर है और उसके लिए अपील रहेगी। और भैया हमारे साथ सेकेंड डे पे, तो मैं स्ट्रेस आउट करना नहीं चाहता हूँ, हमारी जर्नी स्मूथ रहे। मेरे भी लेफ्ट फुट में थोड़ा सा दर्द होने लग गया, एक बार आप फिर देख लो। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है सिसु लेक का। सिसु लेक के बाद अब हम चलते हैं मेन सिसु टाउन की तरफ, क्योंकि जो वाटरफॉल का रास्ता है यहाँ से तो हमको लेनी पड़ेगी जिप लाइन जहाँ ये पार्किंग होती है गाड़ियों की, और मेन सिसु टाउन है वहाँ से है ब्रिज। तो ब्रिज के पास चल रहे हैं, वहाँ से आपको वाटरफॉल पे लेके जाएंगे। तो ये है भाई सिसु का वाटरफॉल, देख सकते हो आप। कुछ है नहीं ज़्यादा, ऊपर से बर्फ़ पिघलती हुई आ रही है और नीचे गिर रही है, उसी का नाम वाटरफॉल रख दिया है। यही सब है नीचे सारा सिसु, वहाँ पे पार्किंग है सारी। ये मेन हाईवे है। तो यार सिसु वाटरफॉल जाने का हो गया है प्लान कैंसिल। यहाँ पे हम बना रहे हैं कॉफ़ी, मतलब मास्टर शेफ नरेंद्र कुमार बना रहे हैं कॉफ़ी, और ग्लास ढूंढने की कोशिश हो रही है, ग्लास पा नहीं रहा है, तो हमने तो ये बॉटल यूज़ करनी है। बाकी आगे आज देखते हैं कहाँ का डेस्टिनेशन बनेगा। टाइम लगभग 1 बज गया है, 12:30 हो गए हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। सिसु लेक के ऊपर से नज़ारे, हाईवे से ऊपर चलते हुए, यहाँ बोटिंग भी हो रही है, आगे आगे काई भी जमी हुई है, एक गाड़ी बीच में रुक गई है, ये देखो यहाँ से टांडी यहाँ से रहता है 24 किलोमीटर, वो वहाँ पे काई जमी हुई है। ये पूरा लेक है रहा यार पीछे मेरे सिसु लेक पूरा, यहाँ से व्यू ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और एक बार आप देख सकते हो। तो यार हम रुक गए हैं सिसु में ही, मेरे घुटने में लेफ्ट वाली नी में थोड़ा प्लेन होने लग गया था। तो चेरी होम स्टे है और यहाँ पे है ये कार्यालय एवं न्यायालय ग्राम पंचायत सिसु, तो यहीं पे हमने साइकिल अपनी खड़ी कर दी है और यहीं पे हम अपना बेड लगा लेंगे। तो यही सब था यार आज के लिए, बाकी कुछ इंटरेस्टिंग होएगा तो अगर आज दिन में तो मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मास्टर शेफ फिर से कॉफ़ी बनाने लगे चक्कर में, मेरे साथ एक बहुत ही तगड़ा कॉफ़ी एडिक्ट बंदा आ चुका है जिसको कॉफ़ी के बिना नींद नहीं आती। सिर्फ इसके लिए फोटो खींचे हमारे दो ऐसे खींचते हैं। तो यार डिनर हमने कर लिया था और मैं गेस्ट हाउस में सोफे पे बैठा हुआ था चैटिंग के लिए। तो आई होप ये वीडियो आज आपको बहुत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक का बटन क्लिक करके जाना, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद।